बस में मुंशी प्रेमचंद में एक बार फिर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो अफसाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे दोहरेपन की बड़ी बेहतरीन मिसाल है। अफसाने का उन्वान है नोक झोंक, और ये अफसाना पहली बार ज़माना के दिसंबर 1920 शुमारे में शाया हुआ था, दिसंबर 1920, और किताबी सूरत में 1928 में ख्वाबो ख्याल में। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना नोक झोंक। बीवी, मैं हकीकत में बदनसीब हूँ, वरना क्यों मुझे रोज़ ऐसे नफ़रत अंगेज मंज़र देखने पड़ते। अफसोस तो यह है कि मुझे देखने ही नहीं पड़ते, बल्कि बदनसीबी ने उनको मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है। मैं उस आला ज़र्फ ब्राह्मण की लड़की हूँ जिसका एहतराम बड़ी बड़ी हिंदू मजहबी सोसाइटियों में किया जाता है, जो आज मजहब का सुतून समझा जाता है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने घर पर कभी बग़ैर नहाए और पूजा किए मुँह में पानी की एक बूंद तक भी डाली हो। मुझे एक बार बुखार की हालत में बग़ैर नहाए हुए मजबूरन दवा पीनी पड़ी थी, उसका मुझे महीनों रंज रहा। हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता था, चमारियाँ तो दालान में भी ना बैठ सकती थी, और जुलाहों के लड़कों के साथ खेलते हुए मुझे सख्त नफरत मालूम होती थी। लेकिन यहाँ आकर गोया एक जुल्मत कदे में पहुँच गई। मेरे शौहर बड़े रहीम, खुश अखलाक, काबिल शख्स हैं। उनके ये औसाफ देख कर मेरे बाप उन पर मैह हो गए थे, लेकिन अफसोस वो क्या जानते थे कि ये लोग ऐसे लामजहब हैं कि संध्या और इबादत तो दरकिनार, कोई यहाँ रोज़ाना नहाता भी नहीं। हमेशा कमरे में मुसलमान ईसाई आया करते हैं और आप वहीं बैठे बैठे पानी चाय दूध पी लेते हैं, और सिर्फ इस कदर नहीं बल्कि वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अभी कल की बात है, मैंने उन्हें लेमोनेड पीते देखा। साईं जो चमार है बग़ैर रोक टोक घर में आता है और बोरे से चने निकाल ले जाता है। सुनती हूँ वो अपने मुसलमान दोस्तों के यहाँ दावतें खाने भी जाया करते हैं। ये बेउनवानियाँ मुझसे देखी नहीं जाती, मेरी तबीयत बिखर जाती है। जब वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ जाते हैं और मेरा हाथ पकड़कर करीब बिठा लेते हैं तो मेरा जी चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। अपनी इस ज़िल्लत पर, अपने इस नामाकूल तर्ज ज़िंदगी पर मेरी आँखों से दिल से लहू के आंसू बहने लगते हैं। उफ, हिंदू कौम, तूने हम औरतों को ऐसा कमज़ोर बना दिया। क्या अपने खाविन की लौंडी बनना ही हमारी ज़िंदगी का फ़र्ज़ है? क्या हमारे ख्याल, हमारे इरादे और हमारे फ़राइज़ की कुछ कीमत नहीं? अब मुझे सब्र नहीं आता। आज मैं इन हालात का फ़ैसला कर देना चाहती हूँ। मैं इस बला से निकलना चाहती हूँ। ये शर्मनाक ज़िंदगी अब मुझसे एक पल भी नहीं बर्दाश्त हो सकती। मैंने अपने वालदैन के दामन में पनाह लेने का इरादा कर लिया है। आज यहाँ दावत हो रही है और मेरे शौहर सिर्फ उसमें शामिल ही नहीं हैं बल्कि उसके ख़ास मुहरिकों में हैं। इन्हीं की कोशिश और ईमा से इस नामहज़बाना बिदत का ज़हूर हुआ है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी उसी कतार में बैठे हुए हैं। आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता? क्या भगवान धर्म की हिफाजत के लिए अब अवतार न लेंगे? क्या इससे भी ज़्यादा किसी धर्म की ख़राब हालत का अंदाज़ा किया जा सकता है? ब्राह्मण ज़ात अपने ख़ास भाइयों के अलावा दूसरे ब्राह्मण तक का छुआ खाना गवारा नहीं करते। वही ज़ीवकत कौम आज इस पस्ती को पहुँच गई है कि कायस्तों बनियों मुसलमानों के साथ तक बैठकर खाने में कोई परहेज़ नहीं करती, बल्कि इसे कौमी उरूज, कौमी इत्तेहाद का बायस समझती है। शौहर, वो कौन सा मुबारक वक्त होगा जबकि इस मुल्क की औरतें तालीम के जेवर से आरास्ता होंगी, कौमी शीराजा बंदी में मर्दों का साथ देंगी? ये मज़हबी तंग ख्यालियाँ कब मिटेंगी? हम कब तक ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की कैद में फंसे रहेंगे? हमारे शादी ब्याह के तरीके कब तक खानदानी कैद की रस्सी से बंधे रहेंगे? हमको कब मालूम होगा कि औरत और मर्द के ख्यालात के मुआफ़िकत
نسبتی پابندیوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو برندا میری بیوی نہ ہوتی اور نہ میں اس کا شوہر۔ ہم دونوں کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرے آزاد خیالات کو نفرت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے چھونا بھی نہیں چاہتی۔ یہ اس کا قصور نہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے ہم دونوں پر ایسا ظلم کیا۔ تاہم مجھے خوشی ہے کہ برندا اتنی خوددار ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ مشکلات میں بھی اپنے خیالات پر، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ کل برندا کھل پڑی۔ میرے کئی دوستوں نے عام دعوت کی تجویز کی تھی، میں نے بخوشی اس کی تائید کی۔ کئی دن کی بحث و تکرار کے بعد آخر کل میرے گنے گنائے دوستوں نے دعوت کا سامان کر ہی ڈالا۔ میرے صرف چار برہمن ساتھی تھے، باقی بقال کائست اور چند اور مذاہب کے لوگ۔ یہ آزاد روی برندا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب کھانا کھا کر واپس آیا تو وہ ایسی بے چین تھی گویا اس کے دل پر سخت صدمہ پہنچا ہے۔ میری طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھ کر بولی، اب تو سورگ کا دروازہ ضرور کھل گیا ہوگا۔ یہ ناملائم الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ کرخت آواز سے بولا، سورگ اور نرک کے خیال میں وہ رہتے ہیں جو کاہل ہیں، مردہ ہیں۔ ہماری دوزخ اور جنت سب اسی زمین پر ہے۔ ہم اس دار عمل میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ برندا، آفرین ہے آپ کی ہمت اور مردانگی کو، اب دنیا میں آرام و چین کا راج ہو جائے گا۔ دنیا کو آپ نے بچا لیا، اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ میں نے چلا کر کہا، جب ایشور نے تمہیں ان باتوں کے سمجھنے کی قوت ہی نہیں دی تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ اس باہمی تفریق اور تمیز سے ہمارے ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اسے موٹی سے موٹی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس تفریق کے مٹنے سے قوم کو جو نفع ہوگا، اس کا اندازہ بھی تم نہیں کر سکتی۔ البتہ جو لوگ جان کر بھی انجان ہیں، ان کی دوسری بات ہے۔ برندا، کیا بغیر ایک ساتھ بیٹھ کر کھائے ہوئے آپس میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی؟ میں نے اس بحث میں پڑھنا فضول تصور کر کے ایسے اصول کی آڑ لینا مناسب خیال کیا جس میں مباحثے کی گنجائش نہ ہو۔ برندا مذہبی عقائد پر جان دیتی ہے، میں نے اسی منتر سے اسے تفسیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ مذہبی عقائد کا بھی احترام نہیں کرتے، بڑی سنجیدگی سے بولا، مگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ذرا غور تو کرو، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ہم سب ایک خالق کی مخلوق ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنے کی تحسیس کریں، یہ ساری دنیا اسی معبود کا حقیقی جلوہ ہے۔ ہر ایک ذی روح اسی نور حقیقی سے منور ہے۔ صرف اسی نفسانیت کے پردے نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ اس خود پروری نے ہمیں اندھا بنا دیا ہے، ورنہ دراصل ہم سب ایک ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی مختلف مکانوں میں جا کر اخلاقی صورت نہیں اختیار کرتی، اسی طرح پروردگار عالم کی روشنی بھی مختلف جسموں میں جاگزی ہو کر علیحدہ نہیں ہو جاتی۔ کیا سورج کی روشنی جھوپڑیوں پر نہیں پڑتی؟ میں تو کہوں گا جھوپڑیوں پر مہروں سے زیادہ، کہیں زیادہ پڑتی ہے۔ میرے اس عارفانہ سیلاب نے برندا کے سوکھے ہوئے دل کو شاداب کر دیا۔ ہماتن گوش ہو کر میری بات سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف ارادت مندانہ نگاہوں سے دیکھا اور رونے لگی۔ انسان کا دل لاکھ کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے نشانات مٹانا یوں تو ناممکن ہے، مگر اسے گرم کر کے ہم اس کی جگہ نئے نشانات لگا سکتے ہیں۔ برندا کے دل سے خاندانی عظمت اور قومی غرور کے حروف مٹ گئے، ان کی جگہ عالمگیر روحانی ارتباط کے حروف نقوش ہو گئے۔ بیوی کہہ رہی ہے سوامی جی کے گیان اپدیش نے مجھے بیدار کر دیا۔ اف، میں اندھے کنویں میں پڑی تھی۔ اس نے اٹھا کر مجھے ایک روشن قلعے میں پہنچا دیا۔ میں نے اپنے اعلیٰ خاندان کے غرور میں، اپنی اونچی ذات کے ناجائز فخر میں کتنے ہی نفوس کی بے عزتی کی ہے۔ اے پرماتما، تو مجھے معاف کر۔ میں نااہل تھی، نا سمجھ تھی۔ مجھ غریب کی اس دعا کو قبول کر۔ اس خیال کے باعث میرے دل میں اپنے قابل احترام شوہر سے جو نفرت پیدا ہو گئی تھی اور جو محبت کی کمی میری طرف سے ظاہر ہوئی، اسے معاف فرما۔ جب سے میں نے وہ نورانی الفاظ سنے ہیں، میرا دل بہت نازک ہو گیا ہے۔
तरह तरह के नेक इरादे पैदा होते हैं। कल धोबन कपड़े लेकर आई, उसके सर में बड़ा दर्द था, कराह रही थी। पहले मैं उस हालत में देखकर शायद जबानी हमदर्दी करती या महरी से थोड़ा सा तेल ला देती, पर कल मेरा दिल बेचैन हो गया। ऐसा मालूम होने लगा गोया वो मेरी बहन है। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूरे एक घंटे तक उसके सर पर तेल मलती रही। मैं नहीं कह सकती उस वक्त मुझे कितना रूहानी लुत्फ आ रहा था। मेरा दिल खुद बखुद किसी ज़बरदस्त कशिश के ताबे होकर उसकी तरफ खींचा जाता था। मेरी ननद ने आकर मेरे इस फेल पर किसी कदर नाक भौं चढ़ाई, तेवर बदले, मगर मैंने ज़रा भी परवाह न की। आज अलग सुबह सख्त सर्दी थी, हाथ पांव गले जाते थे। मेहरी काम करने उठी तो खड़ी कांप रही थी। मैं लिहाफ ओढ़े अंगेठी के पास बैठी थी, उस पर भी मुंह खोलना दुश्वार मालूम होता था। मेहरी को देखकर मेरा दिल भर आया, मुझे अपनी खुदगर्जी पर शर्म आई। मैंने ख्याल किया कि जो ये है वही मैं हूँ, उसकी रूह में भी वही रोशनी है, लेकिन मैं आराम से आग के पास बैठी हूँ और ये मेरी खिदमत में मसरूफ़। ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या इसी वजह से कि खुदी ने हमारी निगाहों पर पर्दे डाल दिए हैं? मुझे कुछ सोचने की हिम्मत न हुई, फौरन उठी और अपना शाल लाकर मेहरी को उड़ा दिया। उसका हाथ पकड़कर अंगेठी के पास बिठा दिया। उसने ताज्जुब से कहा, बहू जी छोड़िए, मैं काम करूं, सरकार को कचहरी जाने में देर हो जाएगी। मैंने अपना लिहाफ उतार दिया और उसके साथ बैठकर बर्तन धोने लगी। गरीब औरत मुझे बार बार हटाना चाहती थी। मेरी ननद ने आकर मुझे ताज्जुब की निगाह से देखा और इस तरह मुंह बनाकर चली गई जैसे मैं कोई स्वांग भर रही हूँ। तमाम घर में हलचल मच गई, गोया कोई ताज्जुब खैज वाकया हो गया। हम कितने खुदपरस्त हैं, हम परमात्मा की तौहीन करते हैं, नफसानियत के दाम में फंसकर अपने ही ऊपर तरह तरह के जुल्म करते हैं। अफसोस शौहर। अब शौहर कह रहे हैं, शायद बीच का रास्ता औरों की फितरत में दाखिल नहीं, वो हुदहुद पर ही रह सकती हैं। वृंदा कहाँ तो अपनी आला नसबी पर जान देती थी, कौमी वक़ार का राग अलापती थी, कहाँ अब मसावात और हमाउस्त की मूरत बनी बैठी है। मेरी ज़रा सी तालीम का ये असर है? अब मैं भी अपनी कुव्वत तालीफ पर नाज करूँगा। वाकई ये जिनसे तमीज़ से बेबहरा होती है, इसमें मुझे एतराज़ नहीं कि वो नीची जातों की औरतों के साथ बैठे, हंसे, बोले, उन्हें पढ़ कर कुछ सुनाए, लेकिन उनके पीछे अपने आप को बिल्कुल खो देना मैं कभी भी गवारा नहीं कर सकता। 3 दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने ज़मींदार के मजालिम का रोना लेकर आया। बेशक ज़मींदार ने उसके सख्ती बरती थी, लेकिन वकील मुफ्त में तो मुकदमा नहीं लड़ता। फिर एक चमार के पीछे एक बड़े ज़मींदार से दुश्मनी मोल लूँ, ऐसा करूँ तो फिर वकालत कर चुका। उसकी फरियाद की आवाज़ वृंदा के कान में भी पड़ गई। वो मेरे दर पे हुई कि उसके मुकदमे की पैरवी करूँ और लगी बहसो मुबाहसा करने। मैंने बहाने बनाए कि किसी तरह टालना चाहा, लेकिन उसने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत करवा ही लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन 3 दिनों में मेरे पास कई मुकदमे ऐसे ही मुफ्त खोरों के आए हैं और मुझे कई बार वृंदा को सख्त अल्फाज में फहमाइश करनी पड़ी। इसी वजह से बुज़ुर्गों ने औरतों को मजहबी मसाइल की तलकीन के काबिल नहीं समझा। इतना भी नहीं जानती कि हर एक उसूल की अमली शान कुछ और ही होती है। ये सभी जानते हैं कि खुदा आदिल है, पर उसकी अदालत के पीछे अपने माहौल को कोई नहीं भूलता। अगर वहदतुल वजूद के मसले पर अमल किया जाए तो तमाम दुनिया में आज अमन व आफियत की दुहाई फिर जाए, लेकिन ये मसला फ़लसफ़ा एक ही उसूल रहेगा और इंसानी उख़ुत हमारे निज़ाम माशरी की एक महाल तमन्ना। हम इन दिनों मसाइल की ज़बान से तारीफ़ करते हैं, उन पर मुनाजरे करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, अवाम की नज़रों में वक़ार हासिल करने के लिए इनसे मदद लेते हैं, लेकिन इन पर अमल करना नामुमकिन है। मुझे नहीं मालूम था कि वृंदा इतनी ज़रा सी मामूली और मोटी बात भी नहीं समझती। वृंदा का इन्हमाक रोज़ाना नाकाबिले बर्दाश्त होता जाता है। आज सबके खाने के लिए एक ही किस्म का खाना बना। अब तक घर के ख़ास आदमियों के लिए बारीक चावल पकते थे, तरकारियाँ घी में बनाई जाती थी, दूध मक्खन और मेवा जात वगैरह मंगाए जाते थे। नौकरों के लिए मोटा चावल, तेल की तरकारी, मटर की दाल रहती थी, दूध वगैरह उन्हें नहीं दिए जाते थे। बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही दस्तूर ज़माने कदीम से चला आता है। मैंने कोई नई बात नहीं की है,
और ना नौकरों ने उसके मुताले तभी शिकायत। लेकिन आज देखता हूँ तो वृंदा ने सबके लिए एक ही तरह का खाना बनवाया है। आज मुलाजिमों ने भी वही खाने खाए हैं जो घर के लोगों ने खाए। मैं कुछ बोल ना सका, हैरान होकर रह गया। वृंदा ख्याल करती है कि खाने में फ़र्क करना नौकरों पर जुल्म है। कैसा बच्चों का सा ख्याल है। ये अपनी मसावात की धुन में शरीफ रजील छोटे बड़े का फ़र्क बिताना चाहती है। अरे बेवकूफ़, ये तफरीक हमेशा कायम रही है और रहेगी। मैं भी मुल्की इत्तेहाद का हामी हूँ और तमाम तालीम याफ्ता अपनाए वतन इस इत्तेहाद पर जान देते हैं, लेकिन कोई ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं करता कि उन मजदूरों खिदमतगारों को बराबरी का हक दिया जाए। हम इनमें तालीम फैलाना चाहते हैं, इनको हालत अफलास से निकालना चाहते हैं। ये हवा तमाम दुनिया में फैली हुई है, पर इसकी असलियत क्या है ये हमारे दिल ही जानते हैं। ख्वाह उसका इजहार न किया जाए, इसका असली मतलब यह है कि हमारा मुल्की वक़ार कायम हो, हमारा दायरा या असर वसी हो, हम अपने हुकूक के लिए कामयाबी के साथ जद्दोजहद कर सकें। हमें ये कहने का मौका मिल जाए कि हमारी आवाज़ सिर्फ तालीम याफ्तों की आवाज़ नहीं है बल्कि तमाम कौम की मुत्तहदा आवाज़ है। लेकिन ये वृंदा इतना भी नहीं समझती। बीवी, कल मेरे शोहर का मंशा ज़ाहिर हुआ, उस वक्त मेरी तबीयत सख्त मगमूम हुई। ऐ खुदा, दुनिया में इतनी नुमाइश है, लोग इतने खुदगर्ज़ हैं, इतने जालिम हैं। मुझे कल यह दर्दनाक तजुर्बा हुआ। मैं उस नसीहत को सुनकर अपने शोहर को देवता समझने लगी थी। मुझे इस बात का फ़ख्र था कि ऐसे नफ्स-ए-मुतमन्ना की खिदमत गुजारी का मौका हासिल है। ये मेरे मकदूर की खूबी है, लेकिन ये मुझे आज मालूम हुआ कि जो लोग एक साथ दो नावों पर बैठने के मुश्ताक हैं, ज़्यादातर वही कौमी खैर अंदेश कहलाते हैं। कल मेरी ननद की रुखसती थी, वो ससुराल जा रही थी। शहर की बहुतरी औरतें आई थीं, वो सब उम्दा लिबास और जेवरात से आरास्ता होकर कालीनों पर बैठी हुई थीं। उनकी मेहमानदारी में मसरूफ़ थी कि यकायक मुझे दरवाजे पर चंद औरतें उस जगह ज़मीन पर बैठी हुई नज़र आईं जहाँ उन औरतों की स्लीपरें और जूतियाँ रखी थीं। ये बेचारियाँ भी रुखसती देखने आई थी, मुझे उनका वहाँ बैठना मुनासिब मालूम ना हुआ, इसलिए मैंने उनको भी लाकर कालीन पर बिठा दिया। इस पर उन खातून में सरगोशियाँ होने लगीं और थोड़े अरसे में सब किसी ना किसी बहाने से एक एक करके चली गईं। इतने में किसी ने मेरे शोहर तक एक खबर पहुँचा दी। वो बाहर से बड़े गज़बनाक अंदाज में आए और भरी सभा में मुझे आड़े हाथों लिया। आज सुबह सुबह उठी तो मैंने अजीब वाक़या देखा। शब में मेहमानों की दावत और मदारत के बाद जो झूठे पत्तल चकूरे दोने वगैरह बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे, उस वक्त 500 आदमी उन्हीं पत्तलों पर गिरे, उनको चाट रहे थे। हाँ, इंसान थे और इंसान वही जिन पर परमात्मा का जलवा है, रोशनी है। बहुत सारे कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे, पर ये कंगले कुत्तों को मारकर हटा देते थे। उनकी हालत कुत्तों से भी गई गुजरी थी। यह नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ईश्वर, ये भी हमारे भाई बहन हैं, हमारी ही रूह हैं, इनकी ऐसी नाकाबिल रहम हालत। मैंने उसी वक्त महरी को भेजकर उन आदमियों को बुलाया और मेवे मिठाइयाँ वगैरह जो मेहमानों के लिए रखी हुई थी सबकी सब पत्तलों में रख कर उन्हें दे दी। महरी थर्राने लगी कि मालिक सुनेंगे तो मेरे सर का एक बाल ना छोड़ेंगे, लेकिन मैंने उसे ढारस दी। तब उसकी जान में जान आई। अभी ये बेचारे मिठाइयाँ खा ही रहे थे कि मेरे शौहर साहब भी गुस्से में भरे हुए आए और नहायत सख्त आवाज़ में बोले, तुम्हारी अकल पर पत्थर तो नहीं पड़ गया है कि जब देखो एक न एक आफत मचाए रहती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है। मिठाइयाँ डोमड़ों के लिए नहीं बनवाई गई हैं, इन्हें मेहमानों के लिए बनवाई गई हैं। अब मेहमानों को क्या दिया जाएगा? क्या तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिलाने का मुस्तमम इरादा कर लिया है? मैंने मुस्तकिल मिजाजी से कहा, आप फजूल गुस्सा करते हैं, आपकी जिस कदर मिठाइयाँ मैंने खर्च की हैं वो सब मंगा दूंगी। ये मुझसे नहीं देखा जाता, कोई शख्स तो मिठाइयाँ खाए और कोई पत्तल और दोने चाटे। डोमड़े भी तो इंसान हैं, उनकी भी तो रूह वही है, क्या यह नानसाफ़ी नहीं है? शोहर साहब बोले, रहने भी दो, बेवक्त की शहनाई बजाती हो। जब देखो मुर्गे की एक टांग, सब रूहें एक सी हैं। अगर एक सी हैं तो ईश्वर को किसी ने मना कर दिया था कि सबको एक हालत में ना रखे? इस आला और अदना की तफरीक उसने क्यों कर रखी है? बेसर पैर की बहस करती हो। मैं खामोश हो गई।
बोल ना सकी। मेरे दिल से शौहर की इज्जत और मोहब्बत उठने लगी। अफसोस, नफसानियत ने हमको किस कदर खुदगर्ज बना दिया है। हम ईश्वर का भी स्वांग करते हैं। कितनी शर्मनाक रियाकारी है। हम हकीकत को मुल्की मफाद और ज़ाती अफराज पर कुर्बान करते हैं। ऐसी हालत में अगर हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती तो इसमें ताज्जुब क्या है। और इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है। कल फिर हाज़िर होंगे एक और नई कहानी लेकर। नमस्कार।